हाँ भाई हो भाई, मैं तो ड्रम बजाता हूँ भाई, मैं से तो DGX भाई। मैं रात में 1:30 बजे अराउंड सोया और मैं सुबह उठा 6 बजे, 6 बजे मैं वापसी 6:30 फिर सो गया, फिर मैं उठा 12 बजे, 12 बजे उठ के मैंने एडिटिंग करी, 1:30 बजे मैं सो गया, 1:30 बजे मैं सोया, अब मैं उठा 4 बजे। ये सोने की जो मेरी साइकिल चली है, मतलब लेजीनेस मेरे को क्यों रही आज पूरे दिन, बट जो भी मैं सुस्ताया हूँ, गलत सुस्ताया हूँ, बट ठीक है कोई बात। दिन में दुख बनाता हूँ मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ, दिन में दुख बनाता हूँ मेरे घर से गालियाँ क्यों पड़ रही है, दिन में दुख बनाता हूँ कि मेरी लाइफ कभी कभार अपसाइड डाउन क्यों हो जाती है, दिन में दुख बनाता हूँ, मतलब दुख बनाता हूँ मेरा खुद का जो शेड्यूल ही इतना मेस्ड अप है कि मेरी चीजें आसपास की इतनी मेस्ड अप है, तो फिर मैं दुख बनाऊंगा ही, मैं वो चीजों के बारे में क्रिप करूंगा। एंड फॉर अ फैक्ट आई नो, और आजकल व्लॉग्स में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फॉर अ फैक्ट आई नो दैट आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय सेल्फ, स्टिल आई डोंट वांट टू इंप्रूव इट, इट इज व्हाट इट इज नाउ, नेवर माइंड, विल ऑल्सो कम बैक टू ब्रांडी लोगे, होप यू आर गुड एंड हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सोच रहा हूँ अपने से अब जेन्युइनली वादा करके, और अब जेन्युइनली मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स स्टार्ट 75 हार्ड, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट नाउ फाइनली, नहीं देखते मैं आगे पीछे, अब चालू कर देते हैं एक बार, नॉट फॉर द फेम, नॉट कॉज इट्स इन ट्रेंड, बट फॉर आर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, फॉर आर सेल्फ लाइफ। एंड मोस्टली अगर मैं 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट करूंगा ना, आई वुड, इट वुड बी फॉर माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस to make my routine worth it and better, and mostly I won't do it for the reel, Instagram ki reels ke liye nahi karunga main, theek hai, I can do it for my vlog, main apna pura routine roz vlog mein share kara karunga, reels pe main share na karun, kyunki main soch raha hu agar sirf apne liye karna hai तो फिर ये सोशल मीडिया वाला गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है, ये सोशल मीडिया वाला फिर ट्रेंड में नहीं घुसते हैं, अगर अपने जेन्युइनली अपने लिए करना है तो क्या है, जाओ वेटर रखो, जाओ वेटर। सो गिव मी योर थॉट्स ऑन इट, ये व्लॉग के नीचे आप बताओ, क्योंकि अगर आप कल आएगा तो कल बताओगे तो मैं परसों से चालू कर दूंगा, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट, आई एम रियली सीरियस, मेरे अपने थॉट्स बताओ, ठीक है, बाकी ऐसे पागल बच्चों को देखो जो एक्सक्यूज मी ऑनेस्टली, तो ये मेस्ड अप रूटीन की वजह से ना मैं आजकल जो कंटेंट आजकल मैं सीरियसली लिख रहा था ना, मैं वो लिख पा रहा हूँ, ना मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, ना मेरे को आइडियाज क्लिक अप हो रहे, ना कुछ हो रहा है, ना मैं शूट कर रहा हूँ, मैंने पिछले 2 दिन से कुछ ज्यादा शूट नहीं करा, कुछ ज्यादा कुछ ही शूट नहीं करा रील्स के बिहाफ पे अगर मैं बोलूँ तो, और मेरी रीच भी ऐसे डाउन पे जा रही है और डेड भी हो रही है वापसी प्रोफाइल, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इज इंस्टाग्राम प्लेइंग दीस डम गेम्स अगेन, आई एम वर्किंग हार्ड सिंस स्टार्ट एंड आई हैव टू क्रिप अबाउट इट नाउ, साला मेहनत करो, इतना ऊपर एकदम से दिखाते हैं फिर एकदम से नीचा भी दिखाने लगते हैं, क्या होता है इंस्टाग्राम पे मेरे को समझ नहीं आता, अपनी तरफ से यार पूरी पूरी हिसाई चलती है, अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत चलती है, आई वर्क माई एस ऑफ ऑन इंस्टाग्राम, आई वर्क माई एस ऑफ ऑन माई कॉन्टेंट एंड ऑल, पुटिंग आउट न्यू कॉन्टेंट एवरी डे, थिंकिंग ऑफ इट न्यू, लाइक थिंकिंग ऑफ समथिंग न्यू एवरी डे, इट्स टफ, इट्स रियली टफ, बट आई एम स्टिल डूइंग इट, व्हाई, बिकॉज़ आई नो आई हैव टू लाइक एंटरटेन पीपल, आई एम अ पब्लिक एंटरटेनर, स्टिल इट्स मेस्ड अप अराउंड एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स डीमोटिवेट्स यू that what's up with it, and honestly never mind, like फर्क इतना पड़ना नहीं चाहिए, बट कभी कभार कहीं ना कहीं वो पड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं पॉइंट अप हो जाता है, and then you have to just take it lightly and just move on, that's all you can do right now, that's all I'll do, take it lightly and move on. पकड़ लिया है जिसको भी ये बच्चे को पिटाई लगानी है, मेरे को कॉन्टेक्ट मत करना, क्योंकि अगर किसी ने भी मेरी बहन को पिटाई लगाने की सोची, याद रखना महंगा पड़ेगा, उस सबसे पहले मेरे से भिड़ना पड़ेगा, और अगर मेरे से भिड़ोगे तो मेरे साथ वाले लोगों से भिड़ना पड़ेगा, और मेरे साथ वाले लोगों से भिड़ोगे मुंह में बाल डाल दिया पूरा, पूरा फ्लो तोड़ दिया, हट जा यहाँ से, तू क्या बचाऊ तेरे को, मुंह में बाल डाल दिया पूरे, अच्छा खासा है, अभी एटीट्यूड दिखा रहे थे, तुमने दिखाने नहीं दिया ऑलू नो काट लिया हाथ गए एमी काट लेगा वो नहीं काटता मुझे तो, जिस दिन काट लेना उस दिन पता नहीं चलेगा, फिर हाथ के पीछे छोड़ दे एमी, खेलने दे पापा के साथ, क्या कुत्ते ओलू, बबो आ गया, बबो आ गया, नहीं उसको फर्क नहीं, उसको हाथ चाहिए काट लिया हमें अटैक कर दिया पापा के ऊपर, अटैक कर दिया, बस चल हो गया बस, शांत बेटा शांत
तो इन आगे मुझ गए रेडी, नाउ लेट्स लीव। अभी तो पहले नाना जी का जो काम कराना है वो कराते हैं, उसके बाद वही मतलब पुराने घर से आज शिफ्टिंग करनी है, आज बस वो आरओ काम है वो कराना है, वो करा के फिर मैं टिया के यहाँ निकलूंगा, क्योंकि बड़े दिन हो गए, बहुत दिन से प्लान बना रहे थे मिलने का, मिल नहीं पा रहे थे अनफॉर्चुनेटली। तो आज मैंने इनिशिएटिव लिया, मैं सामने से जाता हूँ मिलने, तो इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ। अभी पहले काम करना, देन जाऊँ काम के बाद, ऐसे नहीं कि पहले ही क्यों निकल लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जाएंगे तो स्कूटी पे ही, गाड़ी में नहीं जाएंगे। जाने को मैं जा सकता हूँ बट स्टिल स्कूटी पे जाना पड़ेगा, गाड़ी में इसलिए नहीं जाएंगे। गाड़ी का इशू ये है, मैं गाड़ी आसपास चला सकता हूँ बट आई कैन टेक इट वेरी फार। फर्स्टली एक तो ये रीजन है उसका कि उसकी नंबर प्लेट का इशू है, ठीक है। आसपास चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में, मैं ज्यादा दूर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो सर्विस रोड तक जा रहा हूँ, बस उससे अंदर, दैट्स द फर्देस्ट आई एम गोइंग ऑन इन माय कार। उससे अगर जाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत है, और वो है दिल्ली नोएडा में एक बार को दिक्कत होना हो, दिल्ली साइड दिक्कत है, टिया का घर है मतलब एकदम बॉर्डर पे, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे ही है उसका घर, लेकिन दिल्ली ओनली। और गाड़ी चलाने का एक वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि ये गाड़ी ऐसी पड़ी पड़ी खराब ना हो जाए, वैसे कुछ टाइम की मेहमान है तो इसको मैं थोड़ा चला के मतलब रख लूं, मेरा भी थोड़ा मन भरता रहेगा, अच्छा लगता रहेगा मेरे को भी अंदर ही अंदर, और मतलब इन जनरली मेरे पास भी एक गाड़ी हो जाएगी, चाहे दिखावे की हो ये, दिखावे की तो नहीं, मतलब ज्यादा जा ना सकूं मैं इससे, आसपास ही जा सकूं, लंबा नहीं जा सकता मैं इससे, मतलब सॉर्ट ऑफ दिखावे की हो, बट स्टिल एक बार को ये है कि चलो अपने पे भी गाड़ी है कहीं ना कहीं, तो वो एक फैक्टर है अपने मन में, तो दैट्स गुड, दैट्स व्हाई मतलब आजकल मैं इसमें घूम रहा हूँ, और मतलब काम तो वैसे पड़ी रहा है तो इसलिए और घूम रहा हूँ। बट अगर अगर नहीं होता इसको निकालने का विचार, अभी तो पापा का विचार यही है कि इसको निकाल दें, बाई चांस अगर पापा का मन बदलता है तो मेरे को कुछ नहीं करना, एक नंबर प्लेट चेंज करानी है इसकी, और वाइपर्स नए लगवाने, दैट्स इट। ये मतलब नए क्या लगवाने, वाइपर्स ठीक कराने, और ये गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है चलने के लिए उसके बाद, तो क्योंकि स्टेरियो में भी कोई दिक्कत नहीं, इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत फाड़ है, गाड़ी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूँ गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है, बस ये और एक ये भी, हाँ ये बड़ा ढीला सा है, इसको भी सही करवाना, दैट्स इट, और गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में चलने लायक हो जाएगी, जो मेरे को चाहिए एक्चुअली। बट ये भी फन ड्राइव है यार वैसे, मैनुअल कुछ भी हो, बट इसमें एक इशू ये है इस गाड़ी में, इसमें मैं कितना भी तेल भरवा लूं, ठीक है, इसका मीटर फर्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा नहीं, और जाएगा तो इमीडिएटली डाउन आ जाएगा, जितनी चलेगी नहीं उससे जल्दी तो डाउन आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये समझ लो, यहां से मैं पेट्रोल पंप गया, पेट्रोल पंप पे मैंने भराया, पेट्रोल पंप पे रेड से फर्स्ट पॉइंट तक आया, और पेट्रोल पंप यहां से 2 किलोमीटर, ठीक है, वो 2 किलोमीटर जब तक मैं वापसी आऊंगा कुछ 40-60 की स्पीड पे इसमें, क्योंकि इसके ऊपर तो मैं लेके जाऊंगा 200 की वजह है स्पीडोमीटर, लेकिन 100 पे कांप जाती है, 80 पे कांप जाती है, 40-60 की स्पीड पे मैं लेके आया वापसी, तो वो जो पॉइंट पे टक्कर थी ना, वो पॉइंट से आधा हो जाएगा एकदम से इसका तेल। नाना जी मेरे को बता रहे थे इसकी कुछ वायरिंग में इशू है स्टार्टिंग से, ठीक है, इसमें तेल आप कितना भी डालो हमेशा दिखाएगा कि जल्दी ड्रेन आउट हो रहा है, जबकि होता नहीं है, तेल होता है इसमें बहुत है, अभी भी तेल भर के होगा गाड़ी के अंदर, बट वो ये ड्रेन आउट वाला सिस्टम इसमें दिखाता रहता कि हाँ इससे जल्दी ड्रेन हो रहा है। इट इज व्हाट इट इज नाउ, क्या करें अब, इंस्ट्रूमेंट प्लान कैंसिलेशन। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, गाड़ी में तेल ही डलवाया थे और अपनी गेटोरेट ले लेते हैं, तो गया पेट्रोल पंप, तेल डलवाया, आके खड़ी कर दी अब -2 में जहाँ इसकी ओरिजिनल पार्किंग थी, खड़ी कर दी वहाँ, और क्या, नेवर माइंड ब्रो, इट्स ओके, प्लान कैंसिलेशन हो गई उसकी साइड से, कोई दिक्कत नहीं, वॉक करते हैं फिर सोसाइटी में, और क्या, और कुछ करने को है नहीं, सारे गए हुए ये चिब्बर विब्बर तो कुछ पार्टी वार्टी में गए हुए हैं, ठीक है, इनको ये लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना, कोई बात नहीं, हमें किसी चीज का गम नहीं है, क्योंकि जब हम इंजॉय करने पे आते हैं तो फिर हम फाड़ भी इंजॉय करते हैं, कुछ ज्यादा इंजॉय कर जाते हैं फिर, और ठीक है यार मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से वैसे भी इंजॉय कर ही रहा हूँ इन एनी विच वेज, तो इट्स ओके, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी गुड ऑन माय पार्ट। जब सीजन चालू हुआ है ना तो कभी इस सोसाइटी में होता रहता है, कभी हमारे उस सोसाइटी में होता रहता है, कभी हमारी सोसाइटी में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, धूम धड़ा के पूरे टाइम चलते रहता है, वो बढ़िया भी चीज है भाई, हैपनिंग जब रहता है ना तो अच्छा लगता है ये देख के। मोटा और पिंकी आ रहे, मोटा और पिंकी भाई, बदमाश हो क्या आप भैया, बदमाश है भैया, बदमाश हो क्या, बदमाश है, जाट पढ़ ले मुरादाबाद के हैं। अबे बिहारी चुप हो जा तू। और भाई पिंकी, पिंकी नहीं पहना आज, आज तो ऑलिव पहना है, कलर मेरा कुत्ते का नाम भी तो ऑलिव ही है, तभी कंप्लीट करी मैंने, मेरे कुत्ते को फाड़ के पहन रहा पूरा, पन्नी नहीं हो रहा था मैं। चल भाई कुछ आइडिया दे दो आज शूट करने के लिए, कुछ आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, आइडिया है मेरे पास, क्या आइडिया है, देखो तेरे जिम वाला भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं माइक नहीं लाया उसका, भाई बिना माइक के तो सही आ जाएगी क्वालिटी, अरे नहीं आएगी ना, अब माइक जब से माइक आया ना तब से आदत बिगड़ गई यार मोटे, तुम समझते नहीं हो, क्वालिटी अपग्रेड, आज ना व्लॉग करने का मन कर रहा है, चला वो करने का, वीडियो बनाने का मन, कुछ करने का मन सही, भाई तो रेस्ट ले लो आज भाई, 2 दिन से रेस्ट पे तो हूं, यही तो दिक्कत है, 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, नहीं व्लॉग तो बनाया है,
वीडियो नहीं बनाई। मैंने दो दिन से कुछ नया शूट नहीं करा। मैं तेरे को वो उस दिन जो अच्छा वो जिम वाली तो थी, जिम वाली है वो तो नहीं। अभी दिवाली वाली भी तो बन जाएगी। अरे हाँ, ओए दिवाली वाला जो लास्ट टाइम का आइडिया था ना, वही रिपीट पार्ट टू कर दे। उसका पार्ट टू कुछ नहीं, कुछ डिफरेंट करेंगे, वैसे टाइम में कुछ डिफरेंट करते हैं। अबे तो ऐसा करना, कल अबे यार नवरात्रों का देख मेरे पास आइडिया लिखा हुआ है। डांडिया का मेरे पास आइडिया है भाई, वो हो जाएगा कल ही करोगे फिर। दिवाली का तो छोटी दिवाली को ही शूट करेंगे वो तो। ठीक है मैं आऊंगा ही उसी दिन। हाँ मैं आऊंगा ही वापसी उसी दिन। कहाँ जा रहा है? मैं गुलमर्ग आऊंगा भाई। गुलमर्ग? अभी गुलमर्ग में जब जाऊंगा वहाँ जाके मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा, ऐसी वीडियो बनाऊंगा। ओए होए 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 भाई, वहाँ के लिए तो दो तीन कॉन्सेप्ट निकाल के रख ले। वो लिख रहा हूँ भाई, मैं सब लिख रहा हूँ। छपरी कौन जा रहा है भाई? होगा भाई, मेरे को क्या पता। गिटार लेके ये लोग अभी तक उसी मिथ में जी रहे हैं कि गिटार से लड़कियाँ इंप्रेस होती हैं। हाँ भाई हो भाई, मैं तो ड्रम बजाता हूँ, मेरे से तो ना हो रही है। तू पेट बजाया कर। पिंकी आई है लेट जरा। नूनू करके। नूनू कैसे 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 अच्छा बेस्ट करने का बोल रहा हूँ। कैमरा बंद होगा ना, अभी देखना क्या क्या अभी होने वाला है। उस दिन पिट के गया है मेरे घर पे। अभी तो इसकी फील्डिंग बैठी है, मैंने मारा नहीं वाला। तेरी फील्डिंग बैठी है? दो बार ये बोनट पे गिरते गिरते बचा है बस। भाई लेटा भी देखो, मेरा भरोसा नहीं भाई। जितने मेरी बुद्धि सटकी, मैं स्पेशली गाड़ी लेके आऊंगा तेरे को बोनेट पे मारने के लिए। और इस बार सफारी आएगी फिर टाटा की, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना। शेवर लेके भरोसा नहीं तेरे को, टक्कर के इसको मारा गाड़ी पिचकी मिल जाए अंदर। सस्पेंशन वैसे खत्म है और गए घर बड़े भाई। बॉडी शेम कराओ, हम करेंगे बॉडी शेम। मोटे को मोटा ना बोले तो गेंडा बोले, जब गेंडा नहीं बोल रहे मोटा बोल रहे ना प्यार से। मोटे तेरे को सच बता, घर पे सब मोटा बोलते हैं ना, और हम बोले तो हम बॉडी शेम कर रहे हैं। हम बॉडी शेम कर रहे हैं तेरे को? मैं तो कहेंगे आप बॉडी शेम करता बड़े भाई जैसा जो भी। ठीक है, पिंकी को हम पिंकी इसलिए बोलते क्योंकि ये पिंक पहनता है। नहीं भाई वो स्टोरी पता नहीं अभी लोगों को, बताएंगे नहीं। हाँ वो अलग बात है, घर पे तो रिवील करेंगे किसी दिन बैठ के। घर पे भी बुलाते ना अब तो, पिंकी बुलाते हैं। ले भाई पापा कह रहे अपने लड़के को पिंकी इधर आई हो। पिंकी दो बार वैष्णो देवी जाके और दो बार उज्जैन जाके लड़की मांगी तो जा पैदा हो गए। भाई ये सही है, फैक्ट है। फिर ये तो ड्रीम गर्ल का डायलॉग है। तुम देखियो भाई कितनी चिकाऊ फिल्म है भाई, बहुत ही बुरी। चिकाऊ फिल्म ही तो नहीं देखता मैं। कौन सी फिल्म? अबे भाई तेरी जिंदगी की मैं अभी बनी है भाई, वो तो जिंदगी ये पटने वाला काम है। एक चाटा खा ले भाई बड़े दिनों का, मेरे हाथ से कोई पिटा नहीं है यार। तो उसको करना, उसके तो बड़े बड़े नहीं। वो तो उसकी फील्डिंग बैठने वाली है। ये तो फील्डिंग बिठा रहा है भाई, इसकी तो फील्डिंग बैठी है, तू अपना देख ले। मैं गाड़ी से मरूंगा, मैं खुश हूँ। देख ले बात सुन ले। हुआ करते थे जब देखते नहीं थे, 60-100 रुपए के गोलगप्पे मोमो सब खा रहे हैं। आज लोगों से 30 रुपए मांगने पड़ रहे हैं, सिक्के जोड़ जोड़ के 30 रुपए के गोलगप्पे खाने पड़ रहे हैं। मतलब जैसी गरीबी की रेखा के उस पार जाते हैं, भगवान कहते हैं चलो भाई वापस पहुंचो, फिर अपनी औकात पे आ गए। 3 ब्रोकीज हो गए। नहीं पिंकी पे तो पैसा है, पिंकी तो पैसा, पिंकी का तो मुआवजे का पैसा आ रहा है। मुआवजे का पैसा आ रहा है भाई, जेवर एयरपोर्ट पे 4 प्रॉपर्टी ले रखे भाई ने 200-200। हां सही बात है। अबे तो तू तो हल्के में ले रहा है, उन्होंने फॉर्च्यूनर बुक करके आ गया। वो कल मुआवजे के पैसे में फॉर्च्यूनर बुक कराया, 11 साल सेंटर के ऊपर तो बड़ा ना मुआवजे में फॉर्च्यूनर बुक कर। 11 साल चल तो भाई एक कम करके क्या कर लेगा। वैसे लोग सोचते पुराने जमाने की गाड़ी है वो, 5 साल तो चल रही है। गाड़ी जब तक फटेगी ना, जब तक गाड़ी का दरवाजा खुद नहीं करेगा, ये बदलेंगे नहीं इसके घर वाला गाड़ी। जब तक गाड़ी का इंजन खुद बाहर आके नहीं बोल देगा ना भाई साहब छोड़ दो मेरे को छोड़ दो, तब तक पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई इतने पैसे का। इतने पैसे भाई बेटे पे खर्चे जा रहे सब हो रहा है। और बेटा यार, बेटा गोलगप्पे खा रहा है। बेटा 29 की मार्केट रेडी वाले कपड़े लेता था, आज बेटे को देख लो जारा से नीचे बात नहीं करता। जारा मैंगो से लेता भाई कपड़े। मैंगो तो बैन हो गया इंडिया में है? और पता ना तेरे को भाई जा भाई, हम तो गरीब आदमी, मैं तो सोच रहा हूँ हम तो सोम बाजार वाले हैं भाई। हम तो अभी यहाँ नहीं लगता सोसाइटी में, 2-3 महीने में ऊपर जो लगता है वो भी महंगा देते हैं। वो भी महंगा है।